हाय एवरीवन, दिस इज अनंत। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग विक्रम यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एमसीक्यूज के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एज यू नो, आपके एग्जामिनेशन में भी एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो आपका एग्जामिनेशन 30 जून 2024 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। एग्जामिनेशन में जैसे कि पेपर 1 हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। तो हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवा देते हैं और हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक तो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये हम 100% गारंटी के साथ ये कहते हैं। तो हमारा जो कोर्स है 100% गारंटी आपको सिलेक्शन देगा। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। First question, that research is defined as research used to investigate a problem which is not clearly defined. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को एग्जामिन और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है। सो वो रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती क्या है, हम ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जो मैगी सेल करती है। अब इस कंपनी ने ये देखा कि मैगी के सेल्स में कुछ मंथ्स में प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। तो ये मान लो ये प्रॉफिट है आपका, एंड ये हो गया मंथ। अब कंपनी ने ये देखा कि ये कुछ मंथ में मैगी के सेल्स में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सडनली प्रॉफिट में डिक्रीज होने लगा और फिर से प्रॉफिट इंक्रीज होने लगा। सो ये जो पर्टिकुलर मंथ है, इस पर्टिकुलर मंथ में मैगी के सेल्स में डिक्रीज हुई, मीन्स प्रॉफिट नहीं हुआ उस पर्टिकुलर मंथ में। सो रिसर्चर इस स्टडी को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की हेल्प लेगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में मैगी के सेल्स में क्यों डिक्रीज हुई, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये मैगी के सेल्स को ये सारे फैक्टर्स ने प्रॉफिट में डिक्रीज किया होगा। सो इस टाइप की प्रॉब्लम को, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है, उस टाइप की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, एग्जामिन करने में रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हेल्प लेकर उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और एग्जामिन करेंगे। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। इसमें आप कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, एग्जामिन नहीं करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, जैसे नेम में मीनिंग है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे पास्ट इवेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो वैसे ही हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम किसी भी प्रॉब्लम को एग्जामिन नहीं करते, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ exploratory research. So here option A is the right answer. The major emphasis in exploratory research is on. इस क्वेश्चन में हमें find out करना है कि exploratory research किस चीज पर ज्यादा focus करता है, और emphasis means priority, focus, okay? ये exploratory research किस चीज को ज्यादा importance देता है, ये हमें find out करना है. अब हम पहले ऑप्शन देखेंगे. पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिटरमाइन करते हो, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन द वेरिएबल्स, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या अफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यह आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हो. और इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे डिटेल में मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हो. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम अप्लाइड रिसर्च में सॉल्व करते हैं, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम पहले से ही डिफाइंड होगी, वेल डिफाइंड होगी वो प्रॉब्लम, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो अप्लाइड रिसर्च में. बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ऐसी प्रॉब्लम जो वेल डिफाइंड नहीं होती, आप पहले उसको एग्जामिन करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो. बट अप्लाइड रिसर्च में ऐसी प्रॉब्लम जो वेल डिफाइंड होती है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, आप उसको सॉल्व करते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन ए, गेटिंग न्यू इनसाइट्स अबाउट अ प्रॉब्लम. सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. दिस इज रिलेटेड विद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो, उसको और डीप में जानने की कोशिश करते हो, उसको एग्जामिन करते हो. अब मान लो आपके पास एक प्रॉब्लम है, जो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कोविड-19 वायरस. ये वायरस एक प्रॉब्लम था. जब ये वायरस न्यू आया था, सो रिसर्चर ने पहले इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करा. अब कैसे एग्जामिन करा होगा रिसर्चर ने इस प्रॉब्लम को, कि जो जो पर्सन इस वायरस से अफेक्टेड थे उनका इंटरव्यू लिया होगा, कि उनकी बॉडी उस टाइम पर कैसे बिहेव कर रही थी, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए गए. सो ये सारे इंटरव्यूज के थ्रू वो रिसर्चर उनसे डेटा लेंगे, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है. अब जब भी आप हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, पहले आप उस प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करोगे, एग्जामिन करोगे, पहले उसको जानोगे कि वो प्रॉब्लम है क्या, तभी उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले पाओगे. अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम, सो उसके अगेंस्ट आप कुछ न्यू नॉलेज लेते हो, फिर उस नॉलेज का अप्लाई करके आप अप्लाइड रिसर्च में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. अब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले एग्जामिन करोगे, अंडरस्टैंड करोगे. सो ये आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में करते हो, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसी चीज पर फोकस करता है. दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, गेटिंग न्यू इनसाइट्स अबाउट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट और मेथड गिवन नहीं है. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं. पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इंटरव्यूइंग एंड एम्प्लॉय. इंटरव्यूइंग एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय के साथ इंटरव्यू. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, और उस कंपनी ने देखा कि आप उनके जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उस प्रोडक्ट में कुछ डिक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहे, प्रॉफिट में डिक्रीज हो रहा है. तो उस कंपनी के मैनेजर क्या करेंगे, अपने वर्कर्स लेबर्स के साथ इंटरव्यू परफॉर्म कर कर ये जानेंगे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रॉपर सेल क्यों नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर इंटरव्यूइंग एंड एम्प्लॉय, ये दिस इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, एक्सपर्ट्स इंटरव्यू. सो एक्सपर्ट्स इंटरव्यू अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दिस इज द मेथड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी टॉपिक है आपका, उसके अगेंस्ट आप कोई एक्सपर्ट से इंटरव्यूज ले सकते हो और उस प्रॉब्लम को और डीप में जान सकते हो. जैसे मान लो हार्ट डिसीज है कोई, सो आप क्या करोगे, हार्ट डिसीज के स्पेशलिस्ट से आप इंटरव्यू लोगे, उसके एक्सपर्ट से इंटरव्यूज लोगे। आप ये देखोगे कि हार्ट डिसीज होती क्यों है, कि ब्लड लेवल में कुछ कमी आ जाती है, कि ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा होना चाहिए, ये कैसे मेंटेन करें, ये सारे। सो हार्ट डिसीज ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट से आपने इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यूज के थ्रू आपने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करा और एग्जामिन करा। सो यहाँ पर एक्सपर्ट इंटरव्यू, दिस इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इंटरव्यूअर्स विद दोज इन्वॉल्व द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर ऑप्शन सी में हमें ये बताया कि आप उनसे इंटरव्यू लोगे जो खुद प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब जैसे मान लो कोई डिसीज है, अब हम यही डिसीज ले लेते हैं कोविड, ओके, कोविड डिसीज है। अब कोई पर्सन है जो कोविड डिसीज में इन्वॉल्व है और आपको कोविड डिसीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है पहले। सो आप क्या करोगे, उस पर्सन से इंटरव्यू लोगे कि आपकी बॉडी उस टाइम पर कैसे बिहेव कर रही थी, आपको कौन कौन से सिम्टम्स हुए थे उस टाइम पर जब आपको कोविड डिसीज हुई थी, आपको क्या हो रहा था, आपको क्या फीवर था, स्नीजिंग हो रहा था, कफिंग हो रहा था। सो आप ये सारी चीजें उस पर्सन से पूछोगे जो खुद उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व था। सो आप जो ऐसा पर्सन जो उस खुद प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है उससे भी आप इंटरव्यू लोगे और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। सो अगेन हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन जी गिवन है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ और दिस इज नॉट द मेथड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपेरिमेंट्स में आप एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हो कि जब आपको कोई चीज पर टेस्ट करना होता है। आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई चीज को टेस्ट नहीं करते हो आप, बल्कि उस चीज को जानने की कोशिश करते हो, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी, दिस इज नॉट द पार्ट और नॉट द मेथड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और हमें भी इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट, Indigo Airlines has experienced a continuing and unexplained decline in the number of tickets sold on its major routes from Mumbai to Delhi. You have been asked to give a report on the problem and to outline alternative courses of action for the airline to take. How would you start? इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है कि एक इंडिगो एयरलाइन है जो बॉम्बे से दिल्ली का रूट फॉलो कर रही है। तो इस इंडिगो एयरलाइन ने ये देखा कि उनके जो टिकट सोल्ड हो रहे थे वो टिकट सोल्ड होना डिक्रीज हो गए हैं, मीन्स टिकट जो सेल हो रहे थे वो टिकट सेल नहीं हो रहे, मीन्स टिकट सेल नहीं हो रहे, मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है इस एयरलाइन का। अब ये प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट करोगे, मीन्स उस प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अब जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि मैगी थी, मैगी की सेल में डिक्रीज हो रहा था पर्टिकुलर मंथ में, उसी सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर देख लो आप कि ये एयरलाइंस है, उस एयरलाइन ने अपने टिकट के जो वो टिकट सेल सोल्ड हो रहे थे उस पर्टिकुलर मंथ में, कुछ मंथ में कंटिन्यूस डिक्रीज होने लगे। तो ये पर्टिकुलर मंथ में जो टिकट के सेल थे वो सेल्स नहीं हो रहे थे, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था इस एयरलाइन को। सो क्या वजह हो सकती है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस प्रॉब्लम को पहले रिसर्चर अंडरस्टैंड करेंगे और इस प्रॉब्लम को जो एयरलाइंस के मैनेजर है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि इस प्रॉब्लम में क्या ऐसा हो गया, इस प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर मंथ में क्यों डिक्रीज हुआ, क्या हो सकता है कि टिकट के फंड्स इंक्रीज हो गए होंगे, उनकी सर्विस अच्छी नहीं होंगी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके टिकट सेल नहीं हो रहे हैं। सो रिमेम्बर, अब ये प्रॉब्लम है, अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि ऐसा कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एयरलाइन के जो टिकट है वो सेल नहीं हो रहे थे, उनके टिकट सेल होने में जो प्रॉफिट हो रहा था वो डिक्रीज होने लगा। तो जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इन द फर्स्ट स्टेप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू एग्जामिन द प्रॉब्लम, आप एग्जामिन करते हो उस प्रॉब्लम को और जानने की कोशिश करते हो कि वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। सो रिमेंबर, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप जो प्रॉब्लम ऑलरेडी होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, ना कि उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप जो भी फेनोमेना होता है उस फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो, बल्कि इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को एग्जामिन नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, बल्कि उस फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, the objective of dash is the development of hypothesis rather than their testing। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसका एम और गोल ये होता है कि किस कोई हाइपोथेसिस को डेवलप करे, ना कि उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करे। सो आपके लिए हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में न्यू वर्ड है। सो आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस होता क्या है। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है और यू कैन से एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव मीन्स टेम्पररी। तो हाइपोथेसिस एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। जैसे हम कभी कभी गेस कर लेते हैं कि अगर ऐसा हम करते तो ऐसा हो सकता है। उसी तरीके से हाइपोथेसिस भी होता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। सो रिसर्चर कभी कभार अपने अजम्पशंस पर बेस्ड हाइपोथेसिस देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं और उसी स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लो यहाँ पर रिसर्चर ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोविड है, कोविड के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन कोविड को क्योर कर सकती है। रिसर्चर ने ये नहीं कहा कि ये वैक्सीन लेने से आपको कोविड नहीं होगा, ये वैक्सीन से कोविड क्योर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। हो सकता है कि ये वैक्सीन लेने से आपका कोविड क्योर हो सकता है। सो ये एक हाइपोथेसिस हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिसर्च का एम होता है कि हाइपोथेसिस डेवलप करे, ना कि उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करे। तो वो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में उस प्रॉब्लम को तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि वो प्रॉब्लम हो कैसे रही है, वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हो। आप कोई टेस्ट नहीं करते हो, इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, बल्कि हाइपोथेसिस डेवलप करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। दैट मीन्स यहाँ पर आप टेस्ट करोगे, उस सोल्यूशन को फाइंड करोगे। सो अप्लाइड रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो रादर देन हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then here correct option is option A exploratory research. So remember this is very important. Exam में इस type के question आते हैं कि आप किस research में hypothesis develop करते हो और उस hypothesis को test नहीं करते हो। So वो हो जाएगी आपकी exploratory research. And for this question option A is the right answer. Next, the type of research conducted by marketers to gain an insight about a problem is. इस question में हमें find out करना है ऐसी कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी होती है जिसका ज्यादातर यूज बिजनेसमैन करते हैं। अब बिजनेस में कौन सी टाइप की रिसर्च ज्यादा यूज होती है, वो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है? अब मान लो कोई बिजनेस है, अब बिजनेस में कभी कभार लॉस भी होता है, जरूरी नहीं है आपको बस प्रॉफिट मिले, सो लॉस भी होता है। सो जैसे लॉस हो रहा है मीन्स कोई प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल नहीं हो रहे। अब प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहे, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा सेल करना है, आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है मीन्स यहाँ पर आपकी प्रॉफिट लॉस हो रहा है प्रॉफिट में। तो आप यहाँ पर आपके लिए एक ये प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब बिजनेसमैन इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं। सो इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए और इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करने के लिए बिजनेसमैन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज का यूज करते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज का हेल्प से रिसर्चर और यू कैन से बिजनेसमैन ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रोडक्ट की क्या वजह है कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट आ रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग में कोई इफेक्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो ये देखने के लिए बिजनेसमैन और रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी स्टडी का यूज करते हैं। सो रिमेंबर एक्सप्लोरेटरी स्टडी बिजनेस में ज्यादा यूज करी जाती है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, एक फेनोमेना होता है, आपको उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ना ही एग्जामिन करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, आप ये देखते हो, ना कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप किसी प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हो ना ही अंडरस्टैंड करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी स्टडी। Next question. One of the quickest and most economical ways to discover hypothesis is through. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा मेथड होता है जो फास्टेस्ट होता है और चीपेस्ट होता है हाइपोथेसिस को डिस्कवर करने के लिए। So, अब हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्या होता है, सैंपल मीन्स आप लोगों को कलेक्ट करते हो, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को कलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है। अब सैंपल्स के थ्रू आप रिस्पॉन्स जानते हो, लोगों का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, क्या होगा लोगों का रिस्पॉन्स। सो सैंपल में एक एक लोगों के पास आप जाओगे, उनसे उनका रिस्पॉन्स लोगे। सो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस हो गया, तो टाइम टेकन प्रोसेस है, ये फास्टेस्ट नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी द यूज ऑफ अ पैनल। सो पैनल क्या होता है, जिसमें रिसर्चर 4 और 5 कम्युनिटी और यू कैन से एक्सपर्ट्स के ग्रुप को, एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं। अब पहले आप कोई लोगों को इनवाइट करोगे, फिर वो आएंगे, फिर आप 4-5 लोगों का ओपिनियन जानोगे। सो ये भी एक टाइम टेकन प्रोसेस ही होगा। सो ऑप्शन बी भी हाइपोथेसिस को डिस्कवर नहीं कर सकते बिकॉज ये चीपेस्ट और फास्टेस्ट मेथड नहीं है। देन ऑप्शन सी एन एक्सपीरियंस सर्वे। सो यहाँ पर सर्वे वर्ड आ रहा है। सो रिमेम्बर जब भी सर्वे वर्ड आता है दैट मीन्स इट इज टाइम टेकन प्रोसेस, बिकॉज आप लोगों से उनका रिस्पॉन्स जानते हो। सो रिस्पॉन्स जानने में एक एक लोगों से, सब लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। सो अलग अलग लोगों से उनका रिस्पॉन्स जानना, तो सर्वेस के थ्रू टाइम लगता है। सो इट इज अगेन टाइम टेकन प्रोसेस। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी और लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च क्या होता है, लिटरेचर मीन्स जो जर्नल, आर्टिकल्स, पेपर्स में जो भी रिसर्चर ने रिसर्च की होती है। सो वो पुराने इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी पुरानी रिसर्च की गई होंगी, सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। आप उस इंफॉर्मेशन को रिफर करते हो और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप हाइपोथेसिस डिस्कवर करते हैं। सो लिटरेचर सर्च क्योंकि ये आप खुद ही करते हो, इसलिए ये फास्टेस्ट और यू कैन से चीपेस्ट मेथड होता है हाइपोथेसिस को डिस्कवर करने के लिए और डेवलप करने के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अ लिटरेचर सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज कंडक्टेड एज द फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या परफॉर्म करते हो। तो रिमेम्बर अगर आपके पास एक कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए ना वो प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। उस प्रॉब्लम को आपको पहले एग्जामिन करना चाहिए, आपको उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आई कैसे, उस प्रॉब्लम को आप डीप में पहले अंडरस्टैंड करोगे। अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ में आएगी एक बार, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो यस, वो रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप क्या करते हो, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो और उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हो। सो अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अगर किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो पहले आपको वो प्रॉब्लम पता, कि आपको पता होना चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जैसे किसी भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने से पहले इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करना पड़ता है। इसी तरीके से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जामिन करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप प्रॉब्लम को एग्जामिन कर लेते हो, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हो। अब एग्जामिन अंडरस्टैंड करने के बाद उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप कुछ इंफॉर्मेशन गेन करोगे जो कि आप फंडामेंटल रिसर्च में करते हो। अब फंडामेंटल रिसर्च में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको उस इंफॉर्मेशन का यूज कर आप अप्लाइड रिसर्च में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो अप्लाइड रिसर्च में आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे जो भी आपने फंडामेंटल रिसर्च में थियोरी बनाए होंगे उस थ्योरी उस कॉन्सेप्ट का यूज कर। सो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च में आप प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेप नहीं होता क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो हिस्ट्री में भी आप पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हो। वैसे ही आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है जो ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके होते हैं उसके बारे में आप और स्टडी करते हो कि उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है प्रेजेंट में, इसलिए आप हिस्टोरिकल रिसर्च परफॉर्म करते हो। बस हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को एग्जामिन नहीं करते और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी हियर इनकरेक्ट। देन ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स के एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अगेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को ना ही सॉल्व करते हो, ना इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हो, ना ही अंडरस्टैंड करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is true about exploratory research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हमें कौन सा ऑप्शन में सही इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो अब हम ऑप्शन ए देखेंगे, इट इज अनस्ट्रक्चर। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर होती है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जैसे हमें पता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और एग्जामिन करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको कोई चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग गेन करनी होती है तो आप कोई स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, बल्कि आप zigzag मैनर में आप किसी भी तरीके से आप ये चाहोगे कि बस मुझे इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, बस इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर होती है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, हेल्प्स रिसर्चर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपके लिए अर्ली स्टेजेस जो वर्ड गिवन है यही आपके लिए कीवर्ड है। तो आप अगर एग्जाम में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक आध वर्ड देखकर ही आपको गेस लग जाना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आपको ऐसे कुछ वर्ड्स याद रखने। अर्ली स्टेजेस जैसे हमने देखा था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम स्टार्टिंग में करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले आप अंडरस्टैंड करोगे, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करोगे। अगर उस प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले उस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उस प्रॉब्लम को आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है ये हमें हेल्प करती है अर्ली स्टेजेस में जो भी प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट कुछ अंडरस्टैंडिंग गेन करवाती है और कोई हम एग्जामिन कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को और देन उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, The purpose of this research is to gain background information, to define the terms, to clarify the problems, and to develop hypotheses. The above statement is related to which among the following types of research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट किस रिसर्च स्टडी से रिलेटेड है। अब स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है ऐसी कौन से रिसर्च का पर्पस होता है जिसमें हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो भी बैकग्राउंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होंगी वो हमें मिलती है, हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को और क्लैरिफाई करते हैं और वो रिसर्च में हम हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हैं। सो वो रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मान लो कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड-19 वायरस। अब ये कोविड-19 वायरस ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी, ओके। ये प्रॉब्लम जब न्यू आई थी तो रिसर्चर ने क्या करा होगा, इसी प्रॉब्लम के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ली होगी। ये किस टाइप का वायरस है, ये कैसे ह्यूमन में अफेक्ट करता है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये कैसे एक से दूसरे पर्सन में मूव करता है ये वायरस, तो ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिसर्चर ने इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट पहले गेन करी होंगी, देन इस प्रॉब्लम को डिफाइन करा होगा ये प्रॉब्लम है क्या, इस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्या है ये प्रॉब्लम, किस वजह से आई, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया होगा, एग्जामिन किया होगा, देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हैं। सो रिसर्चर ये भी कह सकते हैं कि इस वायरस को पर्टिकुलर वैक्सीन किल कर सकती है, सो ऐसे टाइप के हाइपोथेसिस भी डेवलप कर सकते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, उस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हो और आप हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। देन ऑप्शन बी गिवन है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप एज इट इज कोई फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो, यहाँ पर आप कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ना ही इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो ना ही क्लैरिफाई करते हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, ना ही आप उस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हो ना ही डिफाइन करते हो, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी स्टडी। So students, I hope the concept of exploratory study is clear to everyone, and thank you for watching this session and good luck with your preparations.